असल में ये ईसाई थे, इनका खानदान ईसाइयों का खानदान था। तो वालिद ने कहा कि मैं इसे आलिम बनाऊं अपने दीन का, अपने मज़हब का, अपने अकीदे का, अपने जाविया ख्याल के अंदर इसे परवान चलाया जाए। तो उन्होंने मारूफ करखी, बच्चा थे छोटे, पकड़ा और सीधे ले गए ईसाइयों के सबसे बड़े दरसगाह में, हवाले किया कि इसको पढ़ाओ। कमाल है, उन्होंने देखा वो खूबसूरत बच्चा है, ये बड़ा होकर अपने कमाल के जौहर दिखाएगा। तो उस्ताद मुशफिक ने मोहब्बत भरी नगाह से देखा और ख्याल आया कि जो दिल के अंदर है ये सारा मैं इसके दिल के अंदर उतार दूं। तो लिहाजा आस्ते आस्ते इसे मैं अपनी मंजिल पे ले जाना चाहूँगा। तो पहले ही उसने जो सबक पढ़ाया वो ये कि इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। बच्चे को फरमाया कि इन्नल्लाह सालिसुन सलासा, अल्लाह तीसरे में से तीसरा है। तो हजरत मारूफ करखी उन्होंने कहा फिर सुनाओ कि इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। तो उन्होंने कहा हुवल्लाहु अहद। बचपना है, मुराहिकियत का दौर है, हद्दे बलूग को नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं वो पढ़ो इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। तो वो फिर पढ़ते हैं हुवल्लाहु अहद। वो कहते हैं इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। तो ये इन्ना की जगह हुवल्ला कहते हैं, हुवल्लाहु अहद। इनका हुआ कहना ये जो इशारा है अपने रब की तरफ, गोया बचपन ही से इरफान हासिल है। उस्ताद ने फिर दरासा दिया, शफकत फरमाई, मरबत फरमाई, हमदर्दी फरमाई, प्यार फरमाया कि बच्चे इस तरह नहीं है, जो मैं कहता हूं इस तरह करो। कि अच्छा पढ़ो इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। तो कहते मैं समझ गया। क्या समझे? कि ये समझा कि हुवल्लाहु अहद। उस्ताद ने पिटाई कर दी, इस कदर मारा, इस कदर मारा कि मुंह से खून आ गया। छोटा बच्चा था, उस्ताद गजबनाक हो गया। मारा जो उस बच्चे को तो वो नीम बेहोशी की हालत में होश आया। तो वो थोड़ा सा वक्त बचा के उस्ताद की नज़र से बच के बाहर जो निकला तो भागना शुरू कर दिया। उस्ताद ने समझा सो गया होगा बच्चा और ये भागना शुरू हो गया। भागते 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 एक ऐसी जगह पहुंचे कि नज़र उस साहिब मकान की नज़र, उस साहिब खाना की नज़र और मारूफ करखी इस बच्चे की नज़र जब आपस में मिली तो यूं लगता था कि अजल के बिछड़े हुए अब मिले हैं। जब करीब हुए तो बच्चे को नजदीक किया तो फरमाया बेटे कहां से आ रहे हो और कहां से चले हो, कौन हो तुम और तेरे साथ कौन है? तन्हा हो, तन्हा हो। तो फरमाया तुम मेरे बेटे हो, यहीं ठहरो। कहने लगे अभी नहीं, बेटा मत कहो क्योंकि मैं और हूं आप और हैं। नहीं बेटे, वक्त आ गया है, हाथ मुझे दो। तेरी पहचानी में लिखा हुआ है कि तेरे माँ बाप ईसाई हैं और तुम रूहानी बादशाह हो। लाओ अपना हाथ मेरे हाथ पर। हाथ पे हाथ रखा और वो कौन थे? वो हजरत अली, हजरत अली बिन मूसा रजा रदियल्लाहु अन्हु। उनके हाथ पे हाथ रखे मुसलमान हुए। जब मुसलमान हुए तो फिर परवान चढ़ने लगे, वहां से फौरन निकले तो हजरत इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दर्श में शामिल हो गए। उनके दर्श में पढ़े और उनके जो सबसे तरीकत के जो उस्ताद थे, फिकी उस्ताद, शरी उस्ताद, उसूलों के उस्ताद, कौल के उस्ताद, फेल के उस्ताद,
الفاظ کے استاد، قرآن کے استاد، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے امام اعظم ہیں، اور روحانی رہنمائی کرنے والے داؤد تائی ہیں. داؤد تائی جب جوان ہوئے تو علم پڑھ کے مکمل ہوئے، روحانی کمالات پر وہ فائز ہوئے، تو خیال آیا بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کا نہ جانے کیا حال ہوگا. میں مسلمان ہوں، وہ عیسائی ہیں، مگر باپ اور ماں کا درجہ اپنی جگہ مسلم ہے. اپنے استاد سے کہنے لگے، حضرت حضور داؤد تائی سے کہا کہ میرے لیے کیا ارشاد ہے، میں جاؤں نا ایک دفعہ اپنی ماں اور باپ کو دیکھوں. کتنے سال گزر گئے، وہ بھوڑے تھے نہ جانے ان پہ کیا گزری ہوگی. فرمایا جاؤ. تو آہستہ سے چلتے گئے، آنسو بہتے گئے، تو دعا کی، الہی میں اپنی ماں کو دوزخ میں جلتا دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کریم، میں اپنے باپ کو دوزخ کے شعلوں کے حوالے ہوتا نہیں دیکھنا پسند کرتا. جس نبی کے رحمت کے طفیل تو نے کائنات کو وجود دیا ہے، انہی کے صدقے ان پر جہنم کی آگ آرام کر دے. یہ دعا مانگتے مانگتے جا رہے تھے، ادھر ماں دعا کر رہی ہے کہ اللہ کریم مجھے بیٹا ملا ہے، چاہے جس مذہب میں بھی ہو. وہ بیٹا ملنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ جنت میں ان کو لے جانے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جب گئے، رات تھی، دستک دی، نوکنگ کیا، بوڑھے باپ نے کہا کون ہے دروازے پہ، کون ہے دروازے پہ؟ تو کہا معروف آ گیا، میں معروف آ گیا. بیٹے معروف ہو؟ ہاں. تو باپ نے دروازہ کھولا تو پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ابھی یہ کلمات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ماں کی طرف سے آواز ہے، لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ.